हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपको कोई ट्यूटोरियल वीडियो या कोई ड्राइंग टिप्स नहीं दूंगा। मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो शायद आप इस चीज़ से शायद गुजर रहे होंगे, और एक टाइम था जिसमें मैंने भी ये चीज़ फेस किया था। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा, ड्राइंग हमारी हॉबी होती है, हम इसमें करियर बनाना चाहते हैं और फिर हम इसमें काम शुरू कर देते हैं। इनिशियल कुछ डेज में हम स्ट्रगल करते हैं, देन हमको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाता है, हम साल भर ऐसा करते हैं, देन सडनली ऐसा होता है कि कुछ हफ्तों के लिए या एक महीने के लिए हम कह सकते हैं हमको कोई काम ही नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा हुआ था कि कम से कम 15-20 दिन तक मुझे ऑर्डर ही नहीं मिले थे, जबकि मैंने रेगुलर 2 साल काम किया, एंड देन सडनली फॉर 15 डेज मुझे एक भी ऑर्डर नहीं आया, तो मुझे ऑर्डर ही नहीं आ रहे थे। एंड देन बार बार मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं क्या इस फील्ड में सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं, क्या मुझे ऑर्डर इसके बाद कभी नहीं आएगा, क्या मुझे अपना काम स्विच कर देना चाहिए। डेफिनेटली इस टाइप के थॉट्स आ रहे थे, बट दैट टाइम मैंने क्या किया कि मुझे वैसे भी पोर्ट्रेट जब मैं कमीशन वर्क लेता था, बनाता था, तो मुझे दूसरा आर्ट जो भी, मैं जैसे कि ये पेंटिंग रखी हुई है, तो मुझे इस टाइप का पेंटिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो मैंने उस ड्यूरेशन को यूटिलाइज किया है, अलग अलग मीडियम जो होते हैं मैंने वो ट्राई किया। तो मैं आपको भी यही कहूँगा कि इन केस अगर आप बिगनर आर्टिस्ट हैं, आपके पास ऑर्डर नहीं है और आपको पता है कि आपको पोर्ट्रेट्स के ही ऑर्डर मिलेंगे, तो आप अलग अलग टाइप के पोर्ट्रेट्स बनाओ, अलग स्टाइल का आता है वो सब ट्राई करो, एक्सप्लोर करो कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल फील करोगे, और आप नया नया स्टाइल ट्राई करो और उसको अपने प्रोफाइल पे शो करो लोगों को, व्हाट्सएप के स्टेटस पे, इंस्टाग्राम के अपने पेज पे अपना वर्क दिखाओ कि आपको अलग अलग स्टाइल भी आता है। अगर आप पेंटिंग करना चाहते हो, आप पोर्ट्रेट की वजह से नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसमें भी अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया। मैंने कैनवस पे ज़्यादा काम नहीं किया था, तो मैंने उस फ्री टाइम में कुछ ऐसे कैनवस मैंने परचेस किया और मैंने इस पे अपना प्रैक्टिस शुरू कर दिया, बिकॉज मेरा पेंटिंग थोड़ा सा वीक है, मैं कह सकता हूँ, इस कंपेयर टू स्केच, तो मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। और मैं अलग अलग पेंटिंग भी बनाना चाहता था, पोस्टर कलर से, ऑयल पेस्टल से, मैं तो फिर उस टाइम पे मैंने ये सब भी अपना टाइम यूटिलाइज किया है। और पोर्ट्रेट में भी मैंने 2-4 सेलिब्रिटीज़ के कलर पेंसिल पे, मैं ज़्यादा काम नहीं करता, तो मैंने उस पर भी काम किया है। तो आप इस तरीके से अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ गेटिंग डीमोटिवेटेड, आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको हिम्मत रख के अपना वो टाइम जो है, प्रीशियस टाइम जो आपको मिला है, फ्री टाइम, जनरली अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपको फ्री टाइम बहुत कम मिलता है, आप भी जानते हो, अगर आप काम करते हो तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मुझे काम नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं, और आपको परेशान नहीं होना है, आपको उस टाइम का यूटिलाइज करना है। और आपको आर्ट के फील्ड में, आप भी जानते हो कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, स्टाइल होते हैं, तो आपको वो सब चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहिए, ये मेरा मानना है। और मैं आपको भी यही कहूँगा कि अगर आप बिगनर आर्टिस्ट हो, आपको काम नहीं मिल रहा है, तो पहले आप अपने काम के ऊपर अच्छे से फोकस करो, अलग अलग चीज़ें ट्राई करो। और मैं एक सजेशन दे देना चाहता हूँ कि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि इंडिया में लोग सिर्फ पोर्ट्रेट ही बनवाते हैं, मतलब 80% लोग तो आपसे पोर्ट्रेट ही बनवाएंगे, फिर वो कैनवस पे हो या फिर पेपर पे हो, यानी कि पेंटिंग में हो या फिर स्केच में हो, पोर्ट्रेट ही बनवाएंगे। तो आप अपना पोर्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रांग रखो और जितना हो सके डिटेल उसमें ऐड करने की कोशिश करो। अगर आपके पास काम नहीं है, ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। जैसे ही आपका वर्क इम्प्रूव होगा, आप उसको रिप्रेजेंट करोगे, कहीं ना कहीं से आपको ऑर्डर डेफिनेटली मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो तो आप बिल्कुल रोड पे आ जाओगे, डेफिनेटली आप अपने फैमिली के साथ रहते हो तो कहीं ना कहीं से आपको एक रहने का सपोर्ट तो मिल ही रहा है। तो ऐसा भी नहीं कि आपका घर सिर्फ आपके बदौलत ही चल रहा है, मम्मी पापा भाई बहन कहीं से भी सपोर्ट मिलता ही रहता है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैं बिल्कुल खुद के पैसे नहीं कमा रहा हूँ तो मैं अब क्या करूँ, क्या मैं अपना काम छोड़ दूँ, तो डेफिनेटली आपको ऐसा नहीं करना है। इस टाइप का जो दिन होता है ना, जो काम नहीं मिलता कुछ टाइम तक, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, इवन लास्ट एक वीक से मुझे अभी कोई ऑर्डर नहीं है, बट मैं अपने दूसरे काम पे फोकस कर रहा हूँ। और कहना चाहता हूँ कि आपको इंडिया में अगर आप रह रहे हो तो आपको पोर्ट्रेट के अलावा वॉल आर्ट, ये जो मैंने कुछ कुछ बनाया हुआ है, कुछ मतलब इस टाइप के काम भी आपको मिलेंगे। वॉल आर्ट बहुत लोग अपने घर पर करवाना चाहते हैं। और मैं एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ कि प्राइस कभी भी कोई एक सेट प्राइस मत रखो। फॉर एग्जांपल, आपने 1,000 रख दिया पोर्ट्रेट का, आपको सिंगल पोर्ट्रेट का 1,000 आपने रख दिया और आपको ऑर्डर आया। और कई बार ऐसा होता है कि फ़ोटो में डिटेल बहुत ज़्यादा होता है, अब हमने 1,000 बोल दिया लेकिन बनाने में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, और कुछ फ़ोटोज़ ऐसे आ जाते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, मतलब वो 1,000 शायद वर्थ भी नहीं करते, कुछ ओवर प्राइस हो जाता है उस स्केच के हिसाब से। तो आपको प्राइस थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, आप पहले फोटो लो, अच्छे से देख लो कि कितना डिटेल वाला काम है, कितना नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप ऊपर नीचे थोड़ा सा करके प्राइस बताओ, सो दैट कि सामने वाले को भी लगे कि हाँ भैया इसने तो प्राइस सही लगाया है।
और आप उनको बताओ कि अगर इसमें ज़्यादा डिटेल है, ज़्यादा कुछ काम करने वाला चीज़ है, तो आप उस चीज़ के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हो या उस हिसाब से आपने चार्ज फिक्स किया हुआ है। तो ये सब चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं और कह देना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी अपने प्राइस को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये पेंटिंग बनाई है, ठीक है, और चलो मैंने इसका प्राइस रख दिया 5000, इसके सब काम के हिसाब से जितना भी मुझे लगा कि 5000 इसके लिए वर्थ होगा, जितना भी मैंने टाइम दिया है, और अगर सामने वाला इसको बाय करने में इंटरेस्टेड है और वो मुझे कह रहा है कि ये मैं लूँगा लेकिन ये मुझे 2000 में चाहिए, अब आप सोचेंगे कि अरे यार मेरा तो पेंटिंग ही नहीं बिक रहा है, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो पैसों की भी ज़रूरत है तो मैं बेच देता हूँ। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पब्लिक में इस तरीके से अपना काम दिखाओगे और ऐसा सेल करोगे तो लोगों के मेंटेलिटी बन जाएगी कि ये आर्टिस्ट लोग कुछ भी प्राइस रख देते हैं, इनसे बार्गेनिंग करो और पैसे कम करो तो ये डेफिनेटली कर देते हैं, तो एक माइंडसेट बन जाता है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, आप एक सेट प्राइस रखो कि आपने इतना देर मेहनत किया है, इतने फिनिशिंग से बनाया है, तो इसका प्राइस यही होगा। अगर उनको लेना होगा तो वो डेफिनेटली लेंगे, अदरवाइज आप उनको सीधा से मना कर दो, सो दैट कि उनको पता पड़े एक आर्टिस्ट ने इतना मेहनत किया इसलिए इसका प्राइस इतना रखा हुआ, इसमें कोई कम नहीं होने वाला। अगर हम ऐसे प्राइस कम करने लगे तो फिर तो हो गया काम। तो ये वीडियो बनाने का मेरा बस एक ही मकसद था कि अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये फेज सबके लाइफ में आता है, और ऐसा भी होता है कि आप थोड़े से सक्सेसफुल हो गया हो, उस बीच भी हो सकता है कि आपको काम ना आए, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको बस अपने काम के ऊपर फोकस करते जाना है। अगर आप एक्टिव रहोगे रेगुलर, तो डेफिनेटली लोगों की नज़र रहती है कि भैया ये काम रेगुलर कर रहा है तो हम इससे काम करवाएंगे। अगर आप सडनली बीच में बंद कर दोगे तो आदमी भी आप, तो फिर आपकी जो ऑडियंस है वो भी भूलने लग जाएगी कि ये काम अभी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इनिशियल डेज पे आपको डेफिनेटली आपको थोड़ा सा क्लाइंट बेस बनाना है, तो थोड़ा सा प्राइस कम रखना पड़ेगा, और डेफिनेटली आपको भी पता है कि आपका वर्क क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए या टाइम के साथ हो सकता है, तो आपको प्राइस हमेशा अपने वर्क के क्वालिटी के हिसाब से ही रखना है, और कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है अगर आपको काम नहीं मिल रहा है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड कीप मेकिंग आर्ट।